जूता हमारे हाथ में सर, बधाई दे रहे हैं आपको कि आपके जन्म दिवस पर जूता हमारे हाथ में आ गया सर। अगर बेरोजगारी चालू हो गई हो तो इसका मतलब है भुखमरी आना, उनको बेरोजगार युवाओं का ध्यान दिला करके हमने उनके जन्मदिन की बधाई दी है कि हम बेरोजगारी को उजागर कर रहे हैं और आप बेरोजगारी की तरफ देखें और बेरोजगार युवाओं की तरफ देखें। इससे बुरे दिन हमारे और क्या आएंगे। पढ़े लिखने के बाद आज जूता हमारे हाथ में, आज हम जूते पॉलिश कर रहे हैं। शर्म करो मोदी सरकार, शर्म करो। बधाई है ये युवाओं का संदेश है, जो युवाओं को बड़े बड़े जो झूठ बोले गए कि हम बेरोजगारी खत्म दे देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी में ज्यादा अवसर देंगे, कहाँ है वो वादे। तो इसी मोदी राज में आज बस हमारी कीमत यही रह गई कि ये जूता हमारे हाथ में आ गया है और हमें इससे घटिया बेरोजगार रोजगार क्या मिलेगा। और जूते हाथ में, मोदी सरकार के राज में जूता मेरे हाथ में, राज में जूता हमारे हाथ में। जो इतनी मेहनत करके स्टडी क्रैक करके और ग्रेजुएट करके पकौड़े तलने के लिए पढ़ाई कर रहा है वो। मोदी जी शर्म करो, मोदी जी शर्म करो। आप पढ़े लिखे होने, हमारे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा हुआ, आपके राज में हमारे हाथ में जूता आ गया। अरे अब शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात हमारे लिए क्या है। मेरा पीएम प्रधानमंत्री मोदी से एक ही आग्रह है कि कृपया करके हमारी एक बारी चाय पीजिए कि हम कैसी चाय बनाते हैं। ये ग्रेजुएट वाली चाय है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो मोदी सरकार में है। तो क्या जो है ना मोदी जी की तरह जो है ना सब लोग जो है ना नल्ले हो जाए। अरे भाई 24 घंटे अगर काम किए रहते तो देश में आज जो है ना रोजगार होता। सदियों में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, अच्छे दिन के नाम पे बुरे दिन आ गए हैं देश में। जब भी बीजेपी की सरकार आती है रोजगार तो मिलने की दूर बात है, जो मिले हुए हैं वो भी छिन जाते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम जहां मौजूद है आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे किस तरीके की भीड़ और सभी युवा हैं। आज जो है नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, लेकिन जो है युवाओं में एक गुस्सा है और वो गुस्सा नाराजगी जाहिर कर रहे हैं बेरोजगारी दिवस मनाकर। आज जो है प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर ये सभी बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं और सभी देखिए किस तरीके से डिग्री होल्डर हैं, पीएचडी एमबीए करके ग्रेजुएशन करके सभी जो है चाय बना रहे हैं, कोई पकौड़े बेच रहा है, कोई बूट पॉलिश कर रहा है। इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ करेंगे। जूता हमारे हाथ में, मोदी के राज में जूता हमारे हाथ में। मोदी जी शर्म करो, मोदी जी शर्म करो। आप पढ़े लिखे होने, हमारे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा हुआ, आपके राज में हमारे हाथ में जूता आ गया। अरे अब शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात हमारे लिए क्या। आज मोदी जी का जन्मदिन है, इसीलिए तो कह रहे हैं मोदी जी, इसीलिए कह रहे हैं आपके जन्म दिवस में जूता हमारे हाथ में। जन्मदिन बधाई देनी चाहिए आपको। जूता हमारे हाथ में सर, बधाई दे रहे हैं आपको कि आपके जन्म दिवस पर जूता हमारे हाथ में आ गया सर, जूता हमारे हाथ में आ गया। इससे बुरे दिन हमारे और क्या आएंगे। पढ़े लिखने के बाद आज जूता हमारे हाथ में, आज हम जूते पॉलिश कर रहे हैं। शर्म करो मोदी सरकार, शर्म करो। और इससे बुरे दिन हमारे हाथ में क्या आएंगे। मोदी जी को बधाई देनी चाहिए, जन्मदिन है, तमाम जो है पूजा हवन हो रहा है, उनकी लंबी उम्र की कामना की जा रही है। मैडम देखिए, हमें तो 500 रुपए में कमाता हूँ, हमारे बीवी बच्चे हैं, 500 रुपए में जूते पॉलिश करवाऊं या सब्जी खरीदूं या टमाटर खरीदूं या लहसुन खरीदूं या अदरक खरीदूं। अब बताइए रोजगार, हम लोग को डिग्री होने के बाद इंटर पर रखा हूँ मैं और जूते हाथ में, मोदी सरकार के राज में जूता मेरे हाथ में, राज में जूता हमारे हाथ में। बोले डिग्री क्या है आपकी, आपकी डिग्री क्या है। मैं पेशे से फैशन डिजाइनर हूँ और दूसरा मैं देश के हित के लिए भी बहुत सारा काम करता हूँ, समाज सेवाएं करता हूँ। तो इसी मोदी राज में आज बस हमारी कीमत यही रह गई कि ये जूता हमारे हाथ में आ गया है और हमें इससे घटिया बेरोजगार रोजगार क्या मिलेगा। पढ़ लिखने के बाद इससे घटिया रोजगार हमें क्या मिलेगा मोदी सरकार में। ये भी तो रोजगार है, मोदी जी कहते हैं पकौड़े तलो चाय बेचो सब रोजगार है, तो खाली मत बैठो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोदी सरकार ने तो बिल्कुल सही बात कही है, देश के अंदर बहुत अच्छी बात कही कि पकौड़े तलो जूते पॉलिश करो करवाने आए हैं और बोले मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आज इस आजाद भारत की इस स्थिति को, मैं इस समय 90 वर्ष के अवस्था में हूँ और आज के इस प्रशासन की हालत देख करके जो खुशहाली की बात कर रहे थे
आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे नौजवान बच्चे जो पढ़ लिख करके झूठे और भी लोगों से बात करेंगे, तमाम लोग जो हैं यहाँ पर, कोई पकौड़े चल रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 4,500 टीचर बेरोजगार हो रहे हैं, तो इस बात का ये साफ संकेत है कि ये बेरोजगार हुए युवा करेंगे क्या। पिछले 15 साल से सत्ता में हैं, कौन से कितने युवाओं को रोजगार मिला, सबके पास रोजगार दिया, तो ये देश के युवा ये चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह से पकौड़े नहीं चलते। यदि रोजगार मिलता तो ये इधर आंदोलन के लिए नहीं आते। देश के युवा आक्रोशित हैं, देश के माता पिता आक्रोशित हैं, जो सुनहरे भविष्य के अवसर उनके बेटों में देखा था वो मोदी जी के सत्ता के आने के बाद वो सब चकनाचूर हो गए हैं। कांग्रेस प्रतिवर्ष जो रोजगार निकालती थी वो रोजगार तो आना ही दूर हो गया, प्रतिवर्ष 7 लाख रोजगार और कम होते जा रहे हैं। ये एक सरकारी आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है। पर जिन 14 राज्यों में बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ कहाँ रोजगार है? पकोड़े ले लो पकोड़े। देश के प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप राजस्थान में जब से कांग्रेस आई है कितनी वैकेंसी आई है, जब भी बीजेपी की सरकार आती है रोजगार तो मिलने की दूर बात है, जो मिले हुए हैं वो भी छिन जाते हैं, ये स्थिति है। वो मोदी समर्थक अंधभक्त जश्न मना रहे हैं, और जिसको ज्ञान नहीं है वो अभी भी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, कभी तो मोदी जी देश के लोगों को रोजगार देगा, देश के युवा भविष्य अवसर रोजगार का तलाशेगा, अभी भी वो उम्मीद में है। वो मैं कहता हूँ आने वाले समय में वो उम्मीद अब तक टूट चुकी है, आने वाले समय में उनकी भी आंखें खुल जाएंगी कि मोदी जी में रोजगार नहीं है। मोदी जी सिर्फ एक ही व्यक्ति का भला कर सकता है, वो है अंबानी अडानी। चीजें प्राइवेट करके रोजगार का बढ़ावा देते रहे। प्राइवेट में देश में शोषण व्यवस्था को जन्म दिया जा रहा है। आज से आजादी से पहले देश में रियासतों का शासन हुआ करता था, रियासतों के पास पूरी देश की संपत्ति हुआ करती थी। पिछले 2014 से जब से मोदी जी आए हैं वापिस देश की जो संपत्ति है वो पूंजीपतियों के हाथे हवाले कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने पीवीपरस कानून लागू किया था, सभी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया था ताकि देश के सभी लोगों तक, जरूरतमंदों तक सहायता मिले, लेकिन मोदी जी जब से आए हैं वापिस पूंजीपतियों की झोली में डालने का काम कर रहे हैं। वोट चाहिए हिंदुस्तान का और भला करेंगे वो सिर्फ पूंजीपतियों का, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर तमाम लोग हैं, कोई जूता पॉलिश कर रहा है, कोई पकौड़े छान रहा है, कोई चाय बेच रहा है, तो कोई राम लड्डू बेच रहा है, और तमाम जो है यहाँ पर युवा मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। सर क्या कहेंगे, आज मोदी जी का जन्मदिन है, आपको बधाई देनी चाहिए, आप तो रंग में भंग डाल रहे हैं। मैम बधाई है, ये युवाओं का संदेश है, जो युवाओं को बड़े बड़े जो झूठ बोले गए कि हम बेरोजगारी खत्म दे देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी में ज़्यादा अवसर देंगे, कहाँ है वो वादे? कोई वादा पूरा नहीं किया जा रहा। ये युवाओं उन्हीं की खुशी में अनएम्प्लॉयमेंट डे बना रहे हैं। आज ही का दिन क्यों चुना, आज तो उनका बर्थडे है ना। हाँ तो मैम यही तो है, आज उनका जन्मदिन है और इस लोग उनकी अच्छे स्वास्थ्य लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। मैम युवा जो परेशान है बेरोजगार है वो अपना संदेश कैसे पहुंचाएगा? आज सारा देश का युवा अनएम्प्लॉयमेंट बनाकर पूरी जनता को, मोदी जी को नहीं पूरी जनता को ये संदेश दे रहा है, युवा इस समय बहुत बेरोजगार है और उसको रोजगार की बहुत आवश्यकता है। आज जो तमाम लोग जो है यहाँ पर डिग्री होल्डर बता रहे हैं, आपकी डिग्री क्या है? मैम मैं ग्रेजुएट हूँ। और आपके सामने बेरोजगार हूँ। चाय बेच रहे हैं मैम। मोदी जी कहते हैं ये भी रोजगार है, चाय पकौड़े बेचना रोजगार है। तो ठीक है मैम, फिर सब पढ़ाई छोड़ देते हैं, चाय पकौड़े बेच लेते हैं। आपको क्या लगता है इतनी इनकम होगी चाय पकौड़े बेच के, जो इतनी मेहनत करके स्टडी क्रैक करके और ग्रेजुएट करके पकौड़े तलने के लिए पढ़ाई कर रहा है वो? कहते हैं नौकरी के भरोसे ना बैठो, नौकरी खुद बनाओ। कैसे बनाए? सरकारी नौकरी घर में बनाएगा युवा? स्टार्टअप इंडिया। मैम स्टार्टअप इंडिया कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक पेपरों पे लिखा हुआ एक फार्मूला है और कुछ नहीं है। आप ग्राउंड पे जाओगे कोई रोजगार नहीं है, कोई स्टार्टअप इंडिया कोई युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। मैं क्या कहेंगे सर, ये स्टार्टअप इंडिया का जो स्कीम है, मोदी जी कहते हैं कि अपने बिजनेस खुद बनाओ, खुद रोजगार देने वाले बनो, रोजगार के भरोसे ना बैठो। देखिए मोदी जी जो कहते हैं वो जो करते नहीं है, है ना। उन्होंने कहा था कि हम सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज जो है देश में जब से आज़ादी हुआ है तब से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो मोदी सरकार में है, ठीक है।
युवा जो है ना, युवाओं को माँ बाप जो है ना लोन लेकर के, लोगों से जो है ना कर्जे लेकर के अपने सोने चांदी के गहने गिरवी रख करके बेच करके बच्चों को एजुकेशन दिलाते हैं कि मेरा बच्चा, संख्या ज्यादा हो गई है, इतने रोजगार नहीं है, क्या करें। तो क्या जो है ना मोदी जी की तरह जो है ना सब लोग जो है ना नल्ले हो जाएं, अपना बीबी जो है ना छोड़ के जो है। मोदी जी नल्ले हैं, नल्ले तो हैं, शादी करके 24 घंटे काम करने वाला है युग पुरुष को आप नल्ले बोल रहे हैं। अरे भाई 24 घंटे अगर काम किए रहते तो देश में आज जो है ना रोजगार होता, देश में जो महंगाई कम होती, आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सदियों में ऐसे लोग अवतरित होते हैं, सदियों में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, अच्छे दिन के नाम पे बुरे दिन आ गए हैं देश में। क्या कहेंगे, सदियों में ऐसे लोग जो है अवतरित होते हैं। जो लोग सदियों में ऐसे लोग अवतरित होंगे तो देश का जैसे अभी बेरोजगारी युग पुरुष है। हाँ आप कह रहे युग पुरुष है, अगर बेरोजगारी चालू हो गई हो तो इसका मतलब है भुखमरी आना, आप समझ रहे हैं। अगर हम चाय बेचेंगे, देश के युवा चाय बेचेंगे, अगर मान लो कि हम जीविका, इसे जीविका कहते हैं, 200 रुपए कमाने को जीविका कहते हैं, रोजगार थोड़ी ना कहते हैं, रोजगार कहते हैं जो कि सरकार द्वारा दिया जाता है, जो कि ग्रेजुएट पर्सन बीएड करा हुआ पीएचडी करा हुआ उनको रोजगार नहीं है देश में, खाली बैठे हैं, वो लग रहा है उनको पेंशन देनी पड़ेगी। अच्छा नहीं लग रहा, आपके प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तमाम लोग बधाई दे रहे हैं, लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, आप लोग उनको क्या क्या कह रहे हैं। हमने उसको बेरोजगारी दिवस में एक पेशकश दे करके, उनको बेरोजगार युवाओं का ध्यान दिला करके हमने उनके जन्मदिन की बधाई दी है कि हम बेरोजगारी को उजागर कर रहे हैं, और आप बेरोजगारी की तरफ देखें और बेरोजगार युवाओं की तरफ देखें। मैं एक चीज कहना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री से कि हम ग्रेजुएट पर्सन हैं, हमारे माता पिता किसान हैं, हम पढ़े लिखे घर से हैं और हम जो है चाय वाले हैं। मेरा पीएम प्रधानमंत्री मोदी से एक ही आग्रह है कि कृपया करके हमारी एक बारी चाय पीजिए कि हम कैसी चाय बनाते हैं। ये ग्रेजुएट वाली चाय है, ये कोई ऐसी किसी जुमलों की मतलब चाय नहीं है, ये हमारे खून पसीने की चाय है, इसको हमने अपनी मेहनत से बनाया है, कृपया प्लीज एक बारी हमारी चाय पीजिए, धन्यवाद। तमाम लोग जो हैं यहाँ पर युवा जो हैं सभी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और सब अपने अपने तरीके से जाहिर कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, सबके पास डिग्री है और डिग्री होल्डर होते हुए जो है तमाम लोग ये आज जन्मदिन के अवसर पर ये बेरोजगारी दिवस मनाने का इन्होंने ठाना है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।